बैक टू माई यूट्यूब चैनल द फ्रेंडशिप इन टू डेज वीडियो विल डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर फाइव मो पासपोर्ट टू पिछली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्ट्री पार्ट जो था इस चैप्टर का पूरा कम्प्लीट कर लिया था अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है सो गो वॉच इट आउट आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है इसकी कम्प्लीट करेंगे लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर वन विच इज यू हैव टू कॉन्जुकेट द गिवन वर्ब दैट आर दे आर इन द ब्रैकेट्स सो आई गिव यू द ब्रीफ आंसर्स टू ईच एंड एवरी पार्ट सो हमारा फर्स्ट वर्ब है ओतोंन्द्र तो नू के साथ हमारी औतोंन्द्र वर्ब की क्या कॉन्जुकेशन होती है ओ तो ई एन टी ई एन डी ओ एन एस ओके देन पार्ट नंबर टू विच इज रेपोंद्र सो रेपोंद्र के वर्ब की हमारी थ्यू के साथ कॉन्जुकेशन होती है रेपों रेपों ओके okay? देन आवान से अवनसे मीन्स टू मूव हैड ठीक है आगे बढ़ना आगे चलना सो so, अवन् जो हमारी वर्ब है वो सी ई आर वर्ब है अब एक चीज़ जो हमने पढ़ी है सी आर वर्ब्स की वो ये है कि जब भी हम उसे नू के साथ कॉन्जुकेट करते हैं तब जैसे कि हमने यहाँ पर कॉन्जुकेट कर दिया इसको ओ एन एस लगा के यहाँ पर सी के नीचे एक एक्सेंट लग जाता है ठीक है सो इट वुड बी नो आवानसो विद दिस एक्सेंट Below C. Then part number four. वू के साथ हमारी प्रौंद्र वर्ब की कॉन्जुकेशन होती है fair अब की हमारा हमारी इल के साथ क्या कॉन्जुकेशन होती है F O N T. Then L की आले के साथ होती है वी ओ एन टी वॉ अब प्रेफरी वर्ब तो हमारी क्या है ई e आर वर्ब है तो हम इसको डायरेक्टली कॉन्जुकेट कर देंगे ई e आर वर्ब के रूल से ई e लगा के बट इसमें थोड़ा सा हमारा चेंज क्या होता है एक्सेंट का ये वाला एक्सेंट तो एज इट इज है जो ये सेकेंड वाला ई पर एक्सेंट है इसको हम ऐसे पहले ये नीचे से ऊपर जाता है अब ये ऊपर से ऊपर से नीचे जाएगा तो ये हमारा एक्सेंट का चेंज होता है प्रेफरी वर्ब के अंदर वैसे ही नेक्स्ट हमारी आती है वो याशे, वो याशे क्या है जी ई आर वर्ब हमें पता है रूल क्या होता है कि जब भी वोयाशे को मतलब जी ई आर वर्ब्स को हम नू के साथ कॉन्जुकेट करते हैं तब एंडिंग और ई e के बाद सॉरी जी के बाद हमारा क्या ऐड हो जाता है ई e ऐड हो जाता है तो ये हमारा बन गया वोयाशियो ठीक है देन नेक्स्ट पार्ट नंबर नाइन वोंन्ध्र वोंध्र की हमारी ट्यू के साथ कॉन्जुकेशन होती है वो वी ई -E एन डी एस ठीक है देन एल की आप्रोंद्र वर्ब के साथ हमारी क्या कॉन्जुकेशन होती है ए डबल पी आर ई डबल एन ई एन टी आप्रोनो वैसे ही दसौंद्र वर्ब की क्या कॉन्जुकेशन होती है आर ई e को कट कर देते हैं और एस पुट कर देते हैं सो डी ई एस सी ई एन डी एस तो ये हमारी इलेवंथ पार्ट की कॉन्जुकेशन वैसे ही ले जूदियों डैश अब हमारी ब्रैकेट में कौन सी वर्प है रिपोंद्र है अब जो लेज एच है यहाँ पर हमारे पास कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं दे रखा अब एच है मतलब कि प्लूरल है ठीक है ले लगा रखा आगे और एच के पीछे ऐसे मतलब प्लूरल हो गया ये तो क्लियर है और ये हमारा क्या है थर्ड पर्सन मतलब कि क्या हुआ थर्ड पर्सन प्लूरल वाला हमारा कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है एल और एल तो यहाँ पर हम इसको इल और एल वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन कंसिडर करके चलेंगे और इसी के हिसाब से रिपोंद्र वर्ब की जो है कॉन्जुकेशन लगाएंगे सो so, रिपोंद्र वर्ब की हमारी इसके साथ क्या कॉन्जुकेशन होगी आर ई पी ओ एन डी ई एन टी ठीक है आई होप इट्स क्लियर देन पार्ट नंबर थर्टींथ विच इज़ कोवर स्पोंद्र विथ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इल इसकी हमारी क्या होगी डायरेक्टली हमारा जो है आरी कट हो जाएगा एंड एज इट इज़ इतना ठीक है ये हमारा रूल है आरी व को कॉन्जुकेट करने का एस एस फिर खाली खाली मतलब इल और एल के केस में खाली खाली रहेगा तो इसलिए एज इट इज वैसे ही रेसूत्र रेसूत्र वह बातें हमारी नेक्स्ट स टू सॉल्व ठीक है अब इसको हमें यू के साथ कॉन्जुकेट करना है तो हमारी कॉन्जुकेशन होगी आर ई एस ओ यू एस ठीक है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हमारा है हमें चार वर्ब्स दे रखी हैं है प्रौन्द्रद्र फैर और कॉम्प्रौद्र ये चारों हमें कॉन्जुकेट करनी है तो सबसे पहले जो हमारी प्रौन्द्र वर्ब हमें दे रखी है इट इज़ ऑलरेड ऑलरेडी कॉन्जुकेटेड इन योर वर्ब ऑन ऑन इन योर बुक ऑन पेज नंबर फोर्टी नाइन तो वहाँ से आप लोग एक बार रीड आउट करके इसको कॉन्जुकेट कर सकते हो फिर मैं आती हूँ ऑन तौन्द्र वर्ब पर ठीक है इसको मैं आप लोगों को कॉन्जुकेट करके दिखाती हूँ मैंने सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस और जो हमारी वर्ब है उसको मैंने लिस्ट आउट कर दिया है अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है जो हमारा आर ई होता है उसको हम कट कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट सब्जेक्ट के साथ पुट कर देते हैं तो ये स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया है अब नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप आता है एंडिंग्स पुट करना सो इट वुड बी एस एस खाली खाली ओ एन एस ई जेड ई एन टी ए एन टी तो ऐसे हमारा क्या हो गया कॉन्जुकेट हो गया औतौन्द्र वर्ब आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़ अब आते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ब फैर अब फैर की जो कॉन्जुकेशन है बुक में दे रखी है सो यहाँ से आप लोग लिस्ट आउट उसको कर सकते हो वहाँ पर देन आती है हमारी कॉम्प्रोंद्र वर्ब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाई थी कॉम्प्रोंद्र और अप्रोंद्र वर्ब जब हमने ये पढ़ा था कि वो कैसे कॉन्जुकेट होती है द वे प्रोंद्र वर्ब इज़ डन तो वैसे आप लोगों को जो है कॉम्प्राउन्द्र वर्ब कॉन्जुकेट करनी है विच इज एन इरेगुलर वर्ब आई होप ये कर लोगे कॉम्प्राउन्द्र वर्ब को भी कॉन्जुकेट अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर वेरी इजी क्वेश्चन क्या करना है इनटेरोगेटिव कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एस्क अब देखो एस्क कैसे हम पुट करते हैं सेंटेंस के आगे पुट करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है और सेंटेंस जो है एज इट इज लगता है अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे एस्क पुट करेंगे क्यों करेंगे ये अपोस्ट्रोफी वाला क्यों नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये वॉवल से बिगेन नहीं करता है हम हमें वॉवल को एक्सक्लूड करके अपोस्ट्रोफी पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे ही दूसरे वाले केस में हमें कौन से वाला यूज़ करना पड़ेगा ये वाला यूज़ करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम एस का पुट करेंगे और उसके बाद इल जब हम लिखेंगे तो दो वोवल जो है एक साथ आ जाएंगे तो इस वाले वोवल को हटा के हम अपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे वैसे यहाँ पर भी एस का पुट होगा विदाउट दिस अपोस्ट्रॉफी वन यहाँ पर हमारा एस का अपोस्ट्रॉफी वाला पुट होगा यहाँ पर भी अपोस्ट्रॉफी वाला यहाँ पर भी अपोस्ट्रॉफी वाला ठीक है बट डू रिमेंबर कि लास्ट में सबके पीछे आप लोग एक क्वेश्चन मार्क जरूर इंसर्ट कर रहे हो क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो सो इट इज़ ऑब्वियस देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर दैट यू हैव टू पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ कलर्स नाउ ले फिल सो दैश अब हमारा ब्रैकेट में दे रखा है ग्रीन ठीक है ग्रीन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में वैर क्या बोलते हैं लेट मी टेक द ग्रीन कलर ओनली वी सेट वेर वी E R T अब देखो जो हमारे फेल हैं मतलब फ्लावर्स हैं वो जेंडर में क्या है फेमिनिन है तो इसलिए हमें इसके पीछे E भी ऐड करना पड़ेगा और ये साथ के साथ प्लूरल भी हैं तो S भी ऐड करना पड़ेगा ये रूल तो हमें पता है कि जो हमारा कलर्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं दे अकॉर्ड टू द जेंडर दैट दे आर क्वालिफाइंग ठीक है तो जेंडर के अकॉर्डिंग ही हमें एडजेक्टिव को या फिर हमारे जो कलर्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा Then we have the second part which is la robe a dash blue. Okay, तो blue कहा गया है dress को तो blue को हम कैसे लिखते हैं French में Bleu. अब ड्रेस हमारी क्या है Feminine है एज इट इज दिख रहा है यहाँ पर ला यूज हुआ है तो ई भी हम साथ में add कर देंगे वैसे ही पार्ट नंबर थ्री वो कहता है कि ले ताब्लो सो डैश कैसे है ब्लैक बोर्ड ताब्लो मतलब ब्लैक बोर्ड होता है तो क्या है वाइट है सो वट वी विल डू वाइट को हम क्या बोलते हैं ब्लोंक बोलते हैं अब ताबलो हमारे क्या है प्लूरल है तो इसलिए हम पीछे एस एड करते हैं ठीक है देन पार्ट नंबर फोर ले नुआज सो डैश ग्रे को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में ग्रे अब नुआज हमारा प्लूरल है ऑलरेडी इसके पीछे एस है तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है वैसे ही ले फिलर सो ऑरेंज तो ऑरेंज जो है हमारा है इट वुड बी ऑरेंज ओनली ठीक है ऑरेंज और जो हमारा मारो मतलब मैरून कलर होता है दे आर नॉन चेंजेबल मतलब वो प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी सेम ही रहते हैं देर वुड बी नो चेंज देन लथ रूस ए डैश येलो येलो है हमारी क्या पाउच ट्रूस क्या होती है पाउच या फिर स्टेशनरी बॉक्स तो येलो है तो हम क्या करेंगे येलो को हम लिखते हैं जॉन जे ए यू एन ई अब ट्रूस क्या है फेमिनिन है तो इसके पीछे ई ऑलरेडी है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वैसे ही ब्लैक ब्लैक को हम बोलते हैं नुआर आर एन ओ आई आर अब शेवो शेवो हमारा क्या है प्लूरल है तो इसलिए पीछे एस भी एड हो जाएगा सो डैश ब्राउन अब बर्ड्स को हमारा कौन से कलर का क्या बताया गया ब्राउन कलर का अब ब्राउन को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं ब्रू बी आर यू एन अब जो बर्ड्स हमारी हैं वो क्या है प्लूरल है तो इसलिए पीछे एस बी एड हो जाएगा लोल ए डैश येल्लो येल्लो दिया गया ब्रैकेट में तो इट वुड बी जॉन जे ए यू एन ई कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारा क्या है सिंगुलर है और मैस्कुलिन है लेस एल ए ब्ल तो हम क्या लिखेंगे ब्ल ब्लू को हम ब्ल बोलते हैं आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज रिस्पॉन दे ओकेस्टियो वी अब क्वेश्चन नंबर वन हमारा है इस यू एमला ग्लास मीन्स डू यू लाइक आइसक्रीम्स तो हमारे पास आंसर दे रखा है वी अब मेरे को क्या करना पड़ेगा इसका आंसर आगे देना पड़ेगा अब हमसे पूछा गया डू यू लाइक आइसक्रीम तो मैं रिप्लाई कर करूंगी येस आई लाइक आइसक्रीम्स तो यहां पर हमारा जो है सब्जेक्ट भी साथ के साथ चेंज होगा क्या होगा वी ये हमारी अपोस्ट्रोफी छोटी होगी इतनी बड़ी नहीं होगी वी जेम ले ग्लास जी एल ए सी ई एस ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर वैसे ही इसका वो मुंजे दे पोम मीन्स डू यू ईट एप्पल्स तो हमारा इसका क्या आंसर होगा नो मोंज पा द म अब आप लोग कहोगे कि मैम यहाँ पर तो दे दे रखा था क्वेश्चन में आपने द क्यों लिख दिया क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि जब भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तब दे हमारा सॉरी जो भी इनडेफिनेट आर्टिकल होता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एथ्र वो हमारा दे से द के अंदर चेंज हो जाता है तो ये रूल हमने पढ़ा है इन चैप्टर नंबर फोर ऑफ दिस बुक देन पार्ट नंबर थ्री इसका तो फ्रेयर वाई अले कोल मीन्स योर ब्रदर गोज टू स्कूल सो यू विल राइट वी मो फ्रैर या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मोफ्रेर या फिर लिख सकते हो इल वी मो फ्रेर या इल वा आज इट इज एंड पीछे फुल स्टॉप देन इसल प्ल ओ ओ तो मीन्स डज इट रेन इन ऑटम सीजन वी फिर ये वाला सेंटेंस एज इट इज वी इल प्ल ओ ओतोम देन लास्ट फुल स्टॉप ठीक है

तो ये यहाँ जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करा था तब उसके अंदर लिस्ट आउट है कि कैसा वेदर होता है समर्स के अंदर चारों सीजन्स के अंदर वहां से आप लोग सेंटेंस एज इट इज लिख सकते हो मैं ओरली भी एक बार बता देती हूँ शो इल्फे शो ओ एते ठीक है ऐसे लिखेंगे फिर केलतोम फेतीलो इल्फे फ्रूआर मीन्स द वेदर इज कोल्ड केलतोम फेतील ओ ओ तो मीन्स वट इज द वेदर इन Autumn. so so you you will write write means 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 it is is windy. Then part number four, means spring season season time weather weather the वेदर इज गुड द केलर सो ले तोम सो इस सेंटेंस को आप लोग कैसे लिखोगे यहाँ से शुरू करोगे ले नुआज सो फिर इसके बाद यहाँ पर लिखोगे सो ग्री कौन से कलर का होता सीज़न। तो यहाँ से आप लोग कहाँ से शुरू करोगे इसको यहाँ से लसियाल यहाँ पर ए ब्लू। द स्काई इज ब्लू ओ प्रिंटोम्प एंड क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। ठीक है ऐसे हम हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स पे कर लिया नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इट सेज़ यू हैव टू राइट टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू दी सीजन्स जैसे समर के अंदर आप लोग क्या क्या लिख सकते हो लाइक यू कैन राइट सन सोलाइल मीन्स सन और क्या चीज़ लिख सकते हो बीच uh, लिख सकते हो मीन्स प्लाज़ ठीक है विंटर के टाइम में आप लोग लिख सकते हो स्नो नज जिसको हम नेश बोलते हैं फ्रेंच के अंदर और लिख सकते हो बोन नोम द नेश विच, विच मैन ऑटम आट्व, सीजन के अंदर लिख सकते हो रेन जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच के अंदर प्लुई और इम्पर में आप मीन्स जो हमारे अम्ब्रेलाज uh, होते हैं सॉरी रेन कोट्स होते हैं वो लिख सकते हो देन प्रिंटॉम मीन्स क्या लिख सकते हो इसके अंदर डेट स्काई लिख सकते हो एंड पार्क लिख सकते हो क्योंकि पी ए आर सी क्योंकि जो बच्चे होते हैं दे प्ले इन दी पार्क ड्यूरिंग दैट सीजन एंड वो आज वो लिख सकते हो मीन्स वर्ड्स लिख सकते हो ठीक है सो ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू यर नॉलेज यू कैन राइट ओवर हेयर देन क्वेश्चन नंबर एट कम्पलीट द लेफ्रे लेफ्राज विच मीन्स कम्प्लीट देंटेंसेज अब ये जो क्वेश्चन uh, है हमारा इट इज़ बेस्ड ऑन द सीजन्स जो सीजनस हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में उस के रिलेटेड ही ये हमारा क्वेश्चन है उसमें जो आपके पास सेंटेंस दे रखे थे ना बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर उनको नोट डाउन करा गया है और कुछ वर्ड वहाँ से मिसिंग है वहाँ से ढूंढ के आप लोगों को यहाँ पर वो वर्ड्स लिखने हैं देखो ये वाला जो पेज है ना इसके अंदर ऑटम स्प्रिंग सभी के ये जो लाइन्स है इन्हीं से वर्ड्स ले रखे हैं सॉरी सेंटेंसेज ले रखे हैं और वहाँ पर वर्ड्स को मिसिंग करा गया है अब यहाँ से वर्ड आपको छाटने और देखना है कौन सा वहाँ पर लगेगा कौन सा सेंटेंस है वहाँ पर तो ये वाला क्वेश्चन आई होप कर लोगे आप लोग देन इट इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन एक्रीवेक फ्रास यू टीजो वैरब फैर फाइव सेंटेंस रिले दैट आर कॉन्जुकेटेड यूजिंग द वर्ब फैर सो so, यहां पर हमारे पास सेंटेंसेस हैं फाइव सॉरी सिक्स सेंटेंसेज हैं इनमें से कोई फाइव आप लोग नोट डाउन कर सकते हो ठीक है देन द लास्ट क्वेश्चन विच इज योर फेवरेट सीजन कौन सा सीजन है आपका फेवरेट इट इज अगेन योर ओन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन और फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना अभी तक तो, तो इतनी फ्रेंच आ गई होगी कि थोड़ा सा लिख सकते हो किसी चीज के बारे में सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो अगर नहीं हो पाता है तो मेरे को कमेंट में बता दो कि मैम दिस इज़ माई फेवरेट सीजन प्लीज गिव सजेस्ट मी सम लाइन्स ऑन दिस तो आई विटली रिप्लाई यू बैक ठीक है सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो विल मीट अगेन वेर वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट चैप्टर द अपकमिंग चाप्टर फ्रॉम मोर पासपोर्ट टू सो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन भी एंड एक्सरसाइज भी सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो कोई भी डाउट हो डू आस्क मी इन द कमेंट्स और यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन मैं जी मेल आई डी जो मैं हर ऑलमोस्ट हर कमेंट में शायद मैंने प्रोवाइड कर रखी होगी आपको सो देन टेक केयर बाय बाय एंड कीप लर्निंग